टेक द करेक्ट आंसर नंबर वन विच सिंबॉल इज अस इन ईमेल वन हैज टू डॉलर थ्री एट द रेट फोर एंड करेक्ट आंसर है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री एट द रेट नंबर बी ईमेल इज ईमेल इन मैसेज इज डिस्प्ले इन वन इनबॉक्स टू ड्राफ्ट थ्री आउटलुक फोर कंपोज करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इन बॉक्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी अ लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड वन फ्लो चार्ट टू एल्गोरिथम थ्री प्रोग्राम फोर्थ सॉफ्टवेयर करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू एल्गोरिथम नंबर डी By default, the text direction is horizontal, vertical, rotate या extract. Correct answer है option B, vertical. So correct answer is vertical. इसको मैं डिलीट कर देती हूँ पहले और इसके आंसर हो गए आपके नंबर डी के वर्टिकल नंबर ई बुलेट एंड नंबरिंग कैन बी क्रिएट एट द बिगनिंग ऑफ द डैश वन लिस्ट टू पैराग्राफ थ्री लाइन फोर्थ वर्ड करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन लिस्ट क्वेश्चन नंबर टू Fill in the blanks, a grammatical mistake. Fill the blanks, आप क्वेश्चन को देखिए और खुद सॉल्व करें उसके बाद मैं इसके आंसर आपको बताते जाऊंगी आप चेक करेंगे कितने आंसर आपके सही हैं। Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel, My Paathshala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए क्लास फिफ्थ के लिए क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट कंप्यूटर से एनुअल एग्जाम के लिए वर्कशीट लेकर आई हूँ प्रैक्टिस वर्कशीट तो एक बार आप अवश्य अपने बच्चों को सॉल्व करवाएं इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई स्कूलों में ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को देखेंगे पहला क्वेश्चन है अ ग्रामेटिकल मिस्टेक इन हाईलाइटेड विथ वेवी लाइन नंबर बी We can insert in the slide to make presentation more attractive. Number C. And dash is a step-by-step analysis of the process. Number D. Every email address has a dash address. E. The word count option is present in dash group. चलिए आपने इसके आंसर को चेक करें कितना आंसर आपने सही किया है पहला का हो जाता है ए ग्रामेटिकल मिस्टेक इज हाइलाइटेड विद रेड वेवी लाइन बी वी कैन इंसर्ट इमेज इन द स्लाइड टू मेक प्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव सी एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस ऑफ द प्रोसेस डी एवरी ईमेल एड्रेस हैज अ यूनिक एड्रेस ई The word count option is present in proofing group. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थ्री राइट द नेम ऑफ डिफरेंट टेक्स्ट डायरेक्शन ये कुछ क्वेश्चन नंबर्स दिए गए हैं डायरेक्शन में ए बी सी को अलग अलग डायरेक्शन लिखा गया है इसे हम कंप्यूटर्स लैंग्वेज में क्या कहेंगे कंप्यूटर्स में चलिए इसको हम आंसर चेक करते हैं पहला है ए बी सी ये हॉरिजॉन्टल कहलाएगा बी रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री सी रोटेट ऑल एंड डी एक्सट्रैक्ट
नंबर क्वेश्चन नंबर फोर. कंप्लीट द एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स. कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स को हमको एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट के रूप में बताना है. तो चलिए सबसे पहले हम एल्गोरिथम में देख लेते हैं इसे कैसे बनेंगे. स्टेप वन, रीड वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर एज ए. स्टेप टू, रीड वैल्यू ऑफ सेकेंड नंबर एज बी. स्टेप थ्री, एड फर्स्ट नंबर विद सेकेंड नंबर एज सम इक्वल टू ए प्लस बी. एंड स्टेप फोर, प्रिंट सम. फ्लो चार्ट इस प्रकार इसका होगा. फ्लो चार्ट, स्टार्ट बटन, रेड ए बी, सम इक्वल टू ए प्लस बी. इस तरह के बॉक्स में हम लिखते हैं फ्लो चार्ट, सम, प्रोसेसिंग एंड प्रिंट सम. लास्ट में एंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव. राइट शॉर्ट नोट्स की, शॉर्टकट की, इनके हमें शॉर्टकट की बताना है. ए सेलेक्ट प्लस, सॉरी सेलेक्ट ऑल, बी अंडू, सी पेस्ट, डी न्यू पेज, ई कॉपी. चलिए इसके आंसर देखते हैं. सेलेक्ट ऑल कंट्रोल प्लस ए, अंडू कंट्रोल प्लस जेड, पेस्ट कंट्रोल प्लस वी, न्यू पेज कंट्रोल प्लस एन, एंड कॉपी कंट्रोल प्लस सी. क्वेश्चन नंबर सिक्स, राइट द फुल फॉर्म. चलिए इसके फुल फॉर्म हो जाते हैं आई सी बी एल एस आई, सी वी एल एस आई, डी ई एन आई ए सी और ई ए आई. आंसर हो जाता है आई सी इंटीग्रेटेड सर्किट, डी एल एस आई लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, सी वी एल एस आई. इसके फुल फॉर्म हो जाते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, डी ई एन आई ए सी. इसके फुल फॉर्म हो गए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एंड ई ए आई. इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, राइट ट्रू एंड फॉल्स. चलिए इसको हम साथ साथ करते जाएंगे. ए, एट अ टाइम वी कैन सेंड अ मैसेज टू ओनली वन पर्सन, फॉल्स. बी, फाइंड टूल finds a specific word or phrase in a document, true. C, MS PowerPoint 2010 has 9 inbuilt slide layout, true. D, flow charts will flow from left to right, false. And E, email stand for electronic mail, true. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगी, क्लास फर्स्ट से फोर्थ तक के सभी सब्जेक्ट के मैंने प्रैक्टिस वर्कशीट फॉर एनुअल एग्जाम के लिए डाले हैं. अगर आपका बच्चा उन क्लासों में है तो एक बार अवश्य वर्कशीट देखें. साथ ही क्लास फिफ्थ के अदर सब्जेक्ट्स की वर्कशीट के लिए आप हमारे साथ बने रहें. मैच द फॉलोइंग स्पेलिंग मिस्टेक, थ्रेशर, नंबरिंग, हेडर एंड फुटर. चलिए इसको हम चेक करते हैं. मैच द फॉलोइंग क्या होगा? स्पेलिंग मिस्टेक रेड वेल लाइन, थ्रेशर डिक्शनरी, नंबरिंग लिस्ट, हेडर टॉप एंड फुटर बॉटम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. लुक एट द बिलो फॉन्ट ग्रुप एंड नेम द फॉलोइंग कमांड्स. ये फॉन्ट ग्रुप के इमेज है जिसको हमें नेम बताना है. वन, ये हो गया आपका फॉन्ट स्टाइल. टू, फॉन्ट साइज. थ्री, इटैलिक. एंड फोर, फॉन्ट कलर. चलिए इसके आंसर आप एक बार लिख कर आप इसे मैच कर लेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाता है 10. आंसर इन वन सेंटेंस. वन सेंटेंस में इसका हमें आंसर देना है. व्हाट इज एल्गोरिथम? आंसर, एल्गोरिथम आर अ सेट ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द यूज ऑफ फाइंड टूल? आंसर, फाइंड टूल फाइंड्स अ स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज इन द डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. आंसर द फॉलोइंग. व्हाट इज क्लिप आर्ट? आंसर, क्लिप आर्ट इज अ कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स और इमेजेस दैट एंड बी इंपोर्टेड इन टू अ डॉक्यूमेंट. दीज इमेजेस आर प्रेजेंट इन अ क्लिप द आर्ट गैलरी.
तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।